नमस्कार दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। आपके लिए बढ़िया बढ़िया फ्लैट लेके आते रहते हैं। दोबारा से एक और बार फिर से ज़बरदस्त फ्लैट लेके आए हैं। द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन आपके सामने है। एक ही फ्रेम में हमने मेट्रो स्टेशन और बालकनी दोनों को कैप्चर कर लिया है। बहुत ही बढ़िया रोड फेसिंग लोकेशन का फ्लैट लेके आए हैं। लोअर फ्लोर पे है, मतलब नीचे की तरफ है, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। बढ़िया फ्लैट है। इस सोसाइटी की मल्टीपल वीडियोस हमने पहले भी पोस्ट करी हुई हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। R105 हमारी प्रॉपर्टी का कोड है, वो चेक कर सकते हैं। BRS शो R105 यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का फ्लैट मिल जाता है आपको। अभी इसके अंदर काम चल रहा है। काम चलने से पहले हम आपको दिखा दें ताकि कहीं काम चढ़ने के बाद में फ्लैट बचे ही ना आपके लिए। वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो आपको मिल जाता है। रेंटल बहुत रीजनेबल है, बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बढ़िया कार पार्किंग मिलती है इसके अंदर आपको, -1, -2, -3। अब बिना किसी देरी के फटाफट से फ्लैट दिखा देते हैं आपको, क्योंकि काम होने के बाद में दोबारा डेडिकेटेड वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा फ्लैट। पहले भी हमने मल्टीपल टाइम्स आपको वॉक थ्रू दिखाया हुआ है, R105 के अंदर भी दिखाया हुआ है, अभी रिसेंटली R247 वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, ठीक इसी तरह का लेआउट था। ये हमारा लिविंग हॉल है। लिविंग हॉल के साइज, डायमेंशन सब कुछ पहले भी मैंने आपको बताए थे, फिर भी आपको एक बार दोबारा बताते हैं। करीब करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 फीट के आसपास की आपको लंबाई मिलती है और यहाँ से आपको 12 फीट के आसपास की चौड़ाई मिलती है। ये हमारा लिविंग हॉल। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा किचन एरिया। इस किचन एरिया के अंदर अभी डेडिकेटेड काम चालू है। जब आपको ये मिलेगा फ्लैट तो इसके अंदर प्रॉपर आपको सारे के सारे दराज, जो भी शेल्फ वाला काम होता है, वो बन के मिलेगा। सबसे पहली बालकनी आपकी इस तरफ मिलती है आपको। ये रही हमारी बालकनी, 8 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में, 8 बाय 6 के साइज़ में आपको ये वाली बालकनी मिलती है। सामने ग्रीन व्यू, बढ़िया एकदम नज़ारा, सबसे बढ़िया नज़ारे के पैसे देते हैं आप इस फ्लैट के अंदर। और अगर आपका अलॉटमेंट के अंदर ये फ्लैट निकलता है, बेधड़क इसे ले लीजिए। बहुत अच्छा रेंटल आता है, बहुत बढ़िया इसके अंदर अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। यहाँ पे डेडिकेटेड जो वार्डरोब है बन के यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा। रूम साइजेस की बात करते हैं तो रूम साइज हमें मोटे मोटे मिल जाते हैं। यहाँ से देखेंगे वहाँ पे तो 12 फीट के आसपास, और यहाँ से देखेंगे वहाँ पे तो मिल जाएगा करीब 11 फीट के आसपास। 12 बाय 11 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिल जाता है। यहाँ से आते हैं हमारी बालकनी पे। ये है हमारी बालकनी। बालकनी से अगेन शानदार व्यू, शानदार कह रहा हूँ, शानदार व्यू। तो शानदार व्यू आपको मिलता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया हमारे लगे हुए हैं पूरा का पूरा वार्डरोब बनाने में। अगर आपको भी वार्डरोब बनाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बढ़िया सा कारपेंटरी वर्क करा के दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका साइज़ देखते हैं तो 12 फीट करीब ये इस तरह से हमें मिलता है, और इस तरह से अगर आप साइज़ देखते हैं तो आपको मिल जाता है करीब करीब 11 फीट। इस तरफ आप आगे आएंगे हल्का सा तो यहाँ पे डेडिकेटेड एक और वार्डरोब आपको बन के मिलेगा। इधर हमारा अटैच वॉशरूम है, लाइट नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, दूसरी वीडियो से आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से इधर आएंगे, ये हमारी फाइनल बालकनी। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको फ्लैट? आशा करते हैं फ्लैट आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। कोशिश करते हैं हम बढ़िया से बढ़िया फ्लैट आपके लिए लाते रहें। ग्रीन व्यू, मेट्रो पास में, और फ्लैट की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू, मिंट कंडीशन। फर्स्ट एंट्री फ्लैट आपको मिलेगा डेडिकेटेड रिजर्व कार पार्किंग के साथ में। सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, लाइट की कोई टेंशन नहीं है, पानी की कोई टेंशन नहीं है। मेंटेनेंस बहुत ही रीजनेबल है, मात्र 1100 या 1200 रुपये के आसपास की मेंटेनेंस है, और रेंटल तो रीजनेबल है ही है। तो आशा करते हैं जल्दी से आप ये फ्लैट बुक कर लेंगे। इस फ्लैट का कोड यहाँ पे मेंशन है, आर के आगे जो नंबर है इसे नोट डाउन करके आप हमें कॉल बैक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और हम आपको ये फ्लैट जल्द से जल्द दे देंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, प्लीज़ नोट डाउन द फ्लैट कोड, गिव अस अ कॉल और व्हाट्सएप। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।